आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करें। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप जब इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं वही आपको प्रॉफिट देगा, या फिर आउट ऑफ द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सही नहीं है। देखो दोस्तों, कौन सी सिचुएशन है, किस सिचुएशन में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अभी यहाँ पे कितने पे चल रहा है। मार्केट यहाँ पे देखिए, मार्केट चल रहा है यहाँ पे 39,395, लगभग 400 के आसपास चल रहा है। तो हमारा इन द मनी कौन सा हो गया, हमारा इन द मनी हो गया ये 39,300 स्ट्राइक जो प्राइस है हमारा इंदा मनी हो गया, 39,200 हमारा इंदा मनी हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको यही सिर्फ स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने पर प्रॉफिट देगा, कभी कभी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, कौन सी सिचुएशन में दोनों स्ट्राइक प्राइस में से कौन सा सेलेक्ट करना है, आपको सिचुएशन होती है दोस्तों, किस सिचुएशन में आपको इंदा मनी लेना है और कौन सी सिचुएशन में आपको एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी लेना है। तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आप कभी भी जब ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो वही आपको सेलेक्ट करना है जिसके चांस प्रॉफिट ज़्यादा देने के हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना, समझ में आएगा, एक एक करके आप सारे स्टेप्स को फॉलो करना और जो मैं बता रहा हूँ उसको लाइफ टाइम आप फॉलो करना दोस्तों। ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने ये नहीं सीखा ना तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं सीखा। आप चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी अपना लीजिए, कितनी ही सेटअप बना लीजिए, बट आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना नहीं आया तो दोस्तों आपको प्रॉफिट नहीं, फिर आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है और क्या चीजें देखनी होती है स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने से पहले, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमें अब प्रॉफिट देके ही जाएगा, यानी कि हमें उसमें प्रॉफिट ही मिलेगा, उसके चांस 90% हो जाते हैं कि वो अब तगड़ा मूव करने वाला है। तो सिचुएशन कौन कौन सी होती है इसको पता करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया विक्स के चार्ट पे। देखो सबसे पहले आपको इंडिया विक्स को देखना होता है, यहाँ पे हम इंडिया विक्स सिलेक्ट करेंगे और इंडिया विक्स पे देखेंगे। देखो ये इंडिया विक्स यहाँ पे हमारा चार्ट है, ये इंडिया विक्स यहाँ पे आ चुका है। अब आपको ये देखना जरूरी है कि इंडिया विक्स यहाँ पे कितने पे चल रहा है। देखो अभी 15 पॉइंट कुछ पे चल रहा है, जब इंडिया विक्स 15 से लेके और यहाँ पे 18 तक, 15 से लेकर अगर 18 के बीच में है तो आपको दोस्तों यहाँ पर इन द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मार्केट साइडवेज या फिर एक साइड का मूव आपको 100, 150, 200, 250 पॉइंट का देता है, लेकिन अगर इंडिया विक्स 18 से ज़्यादा है, यानी 18, 19 और 21 तक है यहाँ पे, देखो यानी कि 18 से प्लस 19, 21 पे अगर है ना इंडिया विक्स आपका, तो समझ लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देने वाला है। तब आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, इंडिया विक्स को आपको देखना है जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये देखना है इंडिया विक्स कितने पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इंडिया विक्स कितने पे चल रहा है, ये देखो यहाँ पे चल रहा है 15 पे। तो जिसने भी 15 वाला स्ट्राइक, जिसने भी इंडिया विक्स को 15 पे देखा होगा, तो वो क्या करेगा यहाँ पे वो इन द मनी का ही लेगा। जैसे देखो यहाँ पे 39,300 या फिर 39,400 का भी ले सकता है, क्योंकि 39,400 बिल्कुल ये इन द मनी में ही आ चुका है, क्योंकि 5 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है। और आप यहाँ पे अगर ये वाला स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे दोस्तों, तो इसके बढ़ने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम रहेंगे। ये तो रहा इन द मनी में, क्यों कम रहेंगे दोस्तों, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी मार्केट में। मान लीजिए आपने यहाँ पे 39,600 का या 39,700 का स्ट्राइक प्राइस ले लिया, इंडिया विक्स चल रहा है 15-16 पे, अब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है, मार्केट साइडवेज रहेगा, अब 300 से 400 से 700 आने में 300 पॉइंट उसको कवर करने पड़ेंगे, 300 पॉइंट आपको मार्केट को कवर करने पड़ेंगे। कहाँ से आने में, मार्केट अगर यहाँ पे 39,400 के पास है और 39,700 के पास जाएगा, तो उसको यहाँ पे 39,700 के पास जाने के लिए यहाँ पे मार्केट को ये 300 पॉइंट प्लस ये कवर करने पड़ेंगे, जब जाके 39,700 पे आएगा। और मार्केट 300 पॉइंट कवर नहीं करे तो ये आपका प्रीमियम जो है ना डिके हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन द मनी का सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने 39,300 का सिलेक्ट किया, मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया, तो ये जो प्रीमियम है ना आपका बढ़ जाएगा, और ये 450 ही दिख रहा है ना आपका, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका प्राइस तो बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सोच समझ कर ही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट अगर 200 पॉइंट नीचे गिर रहा है तो 200 पॉइंट ऊपर उठना भी चाहिए या 250 पॉइंट ऊपर उठना भी चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है, जब मार्केट
जब इंडिया विक्स आपका 19, 20, 21 उससे ऊपर चल रहा होता है ना, या उसके आसपास चल रहा होता है, तो इतने पे अगर चल रहा है तो समझ लीजिए मार्केट अगर 200 पॉइंट नीचे डाउन भी हो रहा है तो 200 पॉइंट वो ऊपर भाग भी सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा दिख रही है, जिस वजह से मार्केट में भी वोलेटिलिटी आएगी, और वो यहाँ पर मार्केट में अगर नीचे 200 पॉइंट डाउन गया, 250 पॉइंट गया, तो फिर वो और भी कवर करेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है कि अगर इंडिया विक्स आपका यहाँ पे, इंडिया वो यहाँ पे आपका 19 है, 20 है या 21 है, तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। फिर आप क्या करेंगे, आपको फिर स्ट्राइक प्राइस लेना पड़ेगा यहाँ पे 39,400 पे है ना मार्केट, तो आप 39,500 का आपके लिए बेस्ट रहेगा, 39,600 का भी बेस्ट रहेगा, यानी 200 पॉइंट नीचे का आप ले सकते हैं आउट ऑफ द मनी। अब क्यों? क्योंकि 39 इंडिया विक्स 19, 20, 21 यहाँ पे चल रहा है तो मार्केट में वॉलिटी बढ़ेगी, यानी कि मार्केट फास्ट मूव करेगा, तेजी से बढ़ेगा। तो जब तेजी से बढ़ेगा तो 200 पॉइंट अगर बढ़ गया तो यहाँ पे 400 है, तो 39,600 आपका क्या हो जाएगा, आपका इन द मनी में आ जाएगा या फिर एट द मनी में आ जाएगा। जैसे ये 266 रुपये का प्राइस एट द मनी पे आएगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, एट द मनी पे आएगा तो 368 के आसपास पहुँचेगा, इन द मनी में आ गया तो 416 के। तो ये आपका बढ़ा ना यहाँ पे, तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा, इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा प्रॉफिट होने का, क्योंकि जब यहाँ पे इंडिया विक्स इतने पे होता है ना, 20, 21, 22 जितना ज़्यादा रहेगा ना इंडिया विक्स इस रेंज से दोस्तों, मार्केट उतनी ही तेजी से यहाँ पे डाउन भी जाएगा और अपसाइड भी जाएगा। तो ये आपको कब पकड़ना है, ये स्ट्राइक प्राइस आपको कब पकड़ना है, जब मार्केट इंडिया विक्स इतने पे है और डाउन पोजीशन में है, डाउन पोजीशन में है समझ लीजिए, अब डाउन पोजीशन से वो ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये जो 250 पॉइंट है ना उसको कवर करने में टाइम नहीं लगेगा, वो सिर्फ 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में फटाफट से कर देगा वो, और आपका प्रीमियम जो है ना स्ट्राइक प्राइस उसका वो वहाँ पे प्राइस इतना बढ़ा देगा कि आपको उसमें डबल ट्रिपल प्रॉफिट भी हो सकता है, तो आपके पैसे यहाँ पे डबल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इंडिया विक्स को देखना होता है, इंडिया विक्स कितने पे चल रहा है, जब इंडिया विक्स 15-16 पे चल रहा होता है या उससे कम पे चल रहा होता है तो आपको एट द मनी नहीं लेना है, आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है, आपको इन द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस लेना है, ताकि उसमें आपके लॉस भी चांस कम रहें और प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहें। और अगर आपका इंडिया विक्स 19, 20, 21, 22, 23 इससे ऊपर चल रहा है तो आप यहाँ पे एट द मनी का भी ले सकते हैं, आउट ऑफ द मनी का भी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन होना चाहिए, अगर डाउन रहेगा ना तो यानी कि मार्केट गिरना चाहिए, मार्केट गिरा हुआ है अब 19-20 है तो यहाँ पे मार्केट में फिर जितना गिरा है उससे ज़्यादा भी मार्केट बढ़ सकता है या फिर उतना भी जा सकता है, तो आप वहाँ पे अगर आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा बनेंगे, सस्ता मिल जाता है आपको, कम पैसे लगते हैं और चांस ज़्यादा रहता है कि आपका वहाँ पे जो है प्रॉफिट हो जाए, यानी कि आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो वहाँ पे आपके प्रीमियम को बढ़ा दे तेज़ी से। तो इंडिया विक्स तभी काम, मार्केट में इंडिया विक्स को देखना चाहिए, इंडिया विक्स 15-16 के नीचे है तब समझ लीजिए मार्केट में साइडवेज है, ज़्यादा कुछ बड़ा मूव नहीं आने वाला है, 100, 150, 200 इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इंडिया विक्स 20, 21, 22, 23 के प्लस जा रहा है तो समझ लीजिए मार्केट में फिर 300, 350, 400 पॉइंट उसको खींचने में टाइम नहीं लगेगा, मार्केट वो कवर कर ही देगा और आपका जो आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस है उसको वो इतना तेज़ी से बढ़ाएगा कि आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागेगा और आपके पैसों को डबल ट्रिपल भी कर सकता है। और अगर ये मूव आपको एक्सपायरी पर मिल जाए, एक्सपायरी पर अगर इंडिया विक्स इतने पे है समझ लीजिए आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट होगा, तब आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी को ले सकते हैं। तो इस वीडियो से दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है कि आपको इन द मनी कब लेना है और आउट ऑफ द मनी कब लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, हमारे लिंक से हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएंगे।